तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप अपने घर के आगे या फिर अगल बगल उगा सकते हो अरबी। इसको आप गमले में भी उगा सकते हो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सार कैसे उगाना है, क्या करना है, क्या नहीं, सारा कुछ इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ये रही थे पॉलीथीन की थैली में, ये देखो अरबी की, ये देखो जड़ है और इसको मैं लगाने वाला हूँ। और ये रहा, मैंने सबसे पहले इसको खोद करके मिट्टी को सॉफ्ट कर दिया है, ये देखो। और ये रही अरबी, इसको गुजराती में पत्तरवेल्या भी बोला जाता है। अगर आप गुजरात से हो तो आपको वो पसंद है या फिर नहीं। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे डाउट है, इसको अरबी नहीं बोला जाता। लेकिन क्या करें, पता नहीं है तो नहीं है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो इसको आपको क्या करना है, ज़मीन के नीचे दबा देना है, ये जितनी गहरा में होगा बाहर निकल आएगा, लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा ऊपर ही रखना है। तकरीबन 2.5 इंच ही आपको नीचे ज़्यादा से ज़्यादा ले जाना है इसको। और इसको पानी बहुत ही ज़्यादा चाहिए, इसलिए आसपास आपको क्यारा कर देना है ताकि वहाँ पर पानी टिका रहे। तो चलिए, ये देख सकते हो, सबसे पहले मैं इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि ये अगर मैं ज़्यादा पानी दूंगा अरबी को तो ये जल सकता है। तो इसको निकाल देता है, निकाल देता हूँ, सॉरी भाई। और ये अरबी लगाने की प्रोसेस फिर से शुरू हो गई। इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है और थोड़ा स्पेस भी चाहिए। अगर आप इसको 3 घंटे धूप देंगे तो बहुत ही बढ़िया, वो ये धूप में भी खड़ा रहेगा, लेकिन पानी फिर इसको कई गुना ज़्यादा चाहिएगा। इसलिए आपको क्या करना है, 3 घंटे धूप आए कड़ी वही जगह पर लगाना है। ये देखो बहुत ही आसान है, आपको इसकी पत्तियाँ ऊपर, कुछ की पत्तियाँ निकल आई है और कुछ की नहीं। तो जिसकी पत्तियाँ निकल आई है वो मैंने बाहर रखी है, बाकी का अंदर रखा है। और ये सभी जर्मिनेट होगी। अगर आप इसको 1 महीने के लिए, आपको पानी लगातार देना पड़ेगा, ये देख सकते हो मैं लगा रहा हूँ। और आपको खाद में ऑर्गेनिक यानी कि गोबर की खाद, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप वो क्या बोलते हैं, सहजन का पत्तियों को आपको पीस देना है और उसके बाद आप डालोगे, वो भी बेस्ट है। और ये रहा 38 डेज के बाद का रिजल्ट, आपके सामने ही है। ये देखो एक पत्ती निकलती है, वो उसके पहले जो पत्ती निकली हुई है इसके अंदर से निकलती है, ये देख सकते हो। ये रही कुछ इस प्रकार से, ये देख सकते हो आप। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यार, और कमेंट में बताइए ये रिजल्ट आपको कैसा लगा 38 डेज में। और ये देखो पत्ते की साइज देख सकते हो मेरे हाथ के मुकाबले। और इसको हार्वेस्टिंग के लिए आपको ठीक ऊपर से ही तोड़ना है, और नीचे का पत्ता भी कट रहा है तो उसको आप तोड़ सकते हो। ये देखो ये बिगड़ रहा था, तो ये रही एक पत्ती। और इसको नीचे से कभी नहीं तोड़ना है आपको, अगर नीचे से इसको काट दोगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। और ये रही कुछ छोटे भी पौधे, सबसे पहला पौधा
निकल रहा बाहर निकल आता है वो सबसे छोटी पत्ती होती है। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा शेप हो जाता है, जैसे जैसे उसकी रूट डेवलप होती है वैसे। और दोस्तों आपको बारिश के टाइम इसकी क्यारी जो है उसको ज़्यादा पानी नहीं देना है, और बारिश का ही पानी होगा तो या और बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और बहुत ही कम सनलाइट आती है, सन आता भी नहीं है कभी कभी, आता तो है लेकिन बादल बीच में उसको ज़मीन पर उसका प्रकाश नहीं आने देते हैं। तो आपको इस टाइम आपको बिल्कुल भी पानी नहीं देना है और ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो इसको पसंद नहीं है, लेकिन इसको पानी भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। तो बस यही था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नई चैनल है तो सब्सक्राइब तो बनता है यार।